इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भिन्न से आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता है, एक भिन्न एक बटा तीन हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, अंश से एक घटाया जाता है, और वह एक बटा चार हो जाती है जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, लिखते हैं हल, माना भिन्न बराबर x बटा वाई। हम मान लिए कि वो जो भिन्न है वो x बटा वाई है। यहां ऊपर वाला जो x है ये अंश होता है और ये नीचे वाला हर कहलाता है। हम x को अंश कहते हैं और y को हर कहते हैं। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है, एक भिन्न एक बटा तीन हो जाती है, ये जो भिन्न है एक्स बटा वाई, यह एक बटा तीन हो जाती है कब, जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है। चलिए हम अंश से एक घटा दिए तो वह एक बटा तीन हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसे हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे, इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में, तो हम तीन से गुना कर देते हैं, तीन एक्स माइनस एक बराबर, जब हम वाई से एक में गुना करेंगे तो ये वाई हो जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं, तीन से एक्स में गुना करेंगे तो ये तीन एक्स हो जाएगा माइनस, फिर तीन से जब हम एक में गुना करेंगे तो ये तीन हो जाएगा बराबर में वाई। अब ये तीन एक्स, अब ये प्लस में है, जब इसको हम एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यदि ये माइनस में है जब इसको हम आरएचएस में लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया हमारा समीकरण एक। पुनः अब आगे क्वेश्चन कहता है, वह एक बटा चार हो जाती है, हमारा जो भिन्न है यह एक बटा चार हो जाती है कब, जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है, हर में आठ जोड़ दिया जाता है, हर में आठ को जोड़ दिए। अब फिर यहां हम क्रॉस गुणा करेंगे, इसके हर से इसके अंश में गुना करें, जब चार से एक्स में गुना करेंगे चार एक्स हो जाएगा बराबर, वाई जो आठ से एक में गुना करेंगे एक नो वाई जोड़ आठ हो जाएगा। अब ये चार एक्स, एक से वाई में तो वाई जोड़ आठ ही क्यों आठ हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं चार एक्स, अब ये प्लस में है, जब इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस में बराबर आठ, ये हमारा हो गया समीकरण दो। अब हमें यहां दो समीकरण मिल गया, अब इन समीकरण एक और दो को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले या तो x वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहां हम समीकरण एक और दो में देख रहे हैं कि y वाला पद पहले से ही बराबर है, अर्थात यहां भी y है वहां भी y है, अच्छा दोनों माइनस में है, तो हम क्या करें, दोनों समीकरण एक में से समीकरण दो को यदि घटा देते हैं तो लिखेंगे समीकरण एक माइनस दो से, हम समीकरण एक में से दो को घटा रहे हैं, ये हो जाएगा तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, और यह चार एक्स माइनस वाई बराबर आठ। चूंकि हम घटा रहे हैं तो अब चिन्ह को बदलेंगे, अर्थात जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस वहां प्लस कर देंगे, तो ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये माइनस, और ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कट जाएगा। अब प्लस में तीन माइनस में चार, तो माइनस में एक एक्स बचेगा, प्लस में तीन माइनस में आठ, तो माइनस में पांच हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट गया था, एक्स बराबर पांच, हमें एक्स का मान मिल गया पांच। अब हमें वाई का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, समीकरण एक्स का जो मान है या तो हम समीकरण एक में रख देंगे या फिर समीकरण दो में रख देंगे। तो अभी हम समीकरण एक में रखते हैं, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर ये तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, तीन गुना पांच, एक्स का मान पांच है माइनस वाई बराबर तीन, अब पांच दिया है पंद्रह माइनस वाई बराबर तीन, तो ये अब हो जाएगा माइनस वाई बराबर तीन। अब ये प्लस में है, जब इसको हम आरएचएस में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर प्लस में तीन और माइनस में पंद्रह, तो माइनस में बारह हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर हो गया बारह। हमें x का जो मान मिल गया पांच मिल गया और y का जो मान मिल गया वो बारह मिल गया। तो अब हमें चूंकि भिन्न को लिखना है तो इसीलिए भिन्न बराबर हम जो भिन्न माने वो x बटा y माने हैं, तो x बटा y, यहाँ x का जो मान है वो है पांच,
और y का जो मान है 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।